हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कीस्टोन एडू में। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको टीथ के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 2 रहा है हमारे साइंस में, कनेक्ट विद द साइंस, सीबीएसई, आईसीएसई और सीआईएसई सिलेबस में। तो बच्चों, यहां पर देख सकते हो आप, टीथ का पिक्चर देख रहे हो, काफ़ी सारे टीथ हैं, ये बच्चों में लिया गया है। तो मैं वीडियो बना के भी दिखाऊंगा, आपको पता भी चलेगा कि कौन से टीथ कितने होते हैं। बच्चों में यूजुअली 20 होते हैं। तो यहां पर देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो 8 तक हैं वो आपके इंसाइजर्स होते हैं, जो कि बाइट करने में मदद करते हैं। और जो आपका 9 और 10, 11 और 12, यानी ये जो 4 हैं वो कैनाइंस होते हैं। अब मोलार्स इनमें होते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन प्री मोलार्स नहीं होते हैं बच्चों में। तो टोटल कितने हो जाते हैं इनमें, 20 हो जाते हैं, जो कि 6 महीने की उम्र में से शुरू हो जाते हैं। ओके, मैं वीडियो करके भी यहाँ पे आगे देख सकते हो आप। तो यहाँ पर माउथ ओपन करने में एक जॉ, नीचे वाला जॉ में आपको 13, 14, 15, 16 जो दिख रहा था वो थे मोलार्स। तो टोटल हो गए आपके कितने, 20। ओके, ऊपर की भी आपको 4 काउंट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो वीडियो बच्चे का, जहाँ पर आप टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सामने की जो दांत होते हैं, जैसे मैंने पेंसिल लेके आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर वो जो होते हैं वो इंसाइजर्स होते हैं, जो कि बाइट करने में मदद करते हैं। जैसे कि बाइट करना है होता है ना, जैसे कि आप कैरेट लेते हो, एप्पल लेते हो, तो वहाँ पर बाइट करने के लिए आपको ये दांतें ज़रूरत पड़ती हैं। उसके बाद जो बचा, जो उसके बाजू जो होते हैं वो होते हैं 4 के बाद कैनाइंस, जो कि टेयर फूड करते हैं, यानी फूड को फाड़ते हैं, जैसे कि मीट होता है, गोश्त होता है, इसीलिए। ओके, अब जब ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैनाइंस, जैसे मैंने बताया, अब मोलार्स होते हैं। मोलार क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, और प्री मोलार्स क्या करते हैं, क्रश करते हैं, तोड़ते हैं। ओके, तो ग्राइंड करने में मदद करते हैं। बच्चों में प्री मोलार्स नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। टोटल 20 टीथ होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको दो इधर दिख रहे हैं ना लास्ट से, तो वो होते हैं मोलार्स टीथ। तो यहाँ मैंने क्लियरली पिक्चर लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली आपको दिख रहा है टंग के बीच में, जहाँ पर पेंसिल ला रहा हूँ मैं ना, तो वो है मोलार्स, जो कि क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। तो इसको कहा जाता है मोलार। ओके, बड़ों में प्री मोलार्स भी होते हैं, बड़ों में 32 होते हैं, बच्चों में 20 होते हैं, ये याद रखना है आपको। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। तो आपको किसी को बाइट करना है तो क्या यूज़ करोगे, इंसाइजर्स यूज़ करोगे, लेकिन बाइट नहीं करना है बच्चों। ओके, और कैनाइंस टेयर करने के लिए, मोलार्स आपको ग्राइंड करने के लिए, यह आपको बाहर रहनी चाहिए, आपको पूरा याद रहना चाहिए। तो चलो, शेयर करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो, ओके, बाय किड्स।